स्वागत है आप सभी का फैसोटिला फेंटिला में। आई होप आपको पिछली रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। आज हम बनाएंगे टमाटर का ऐसा अचार जो सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बहुत टेस्टी बनता है और इसे आप साल भर चला सकते हैं। इस समय बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं जो सस्ते भी मिल रहे हैं, तो अभी अगर हम अचार बनाते हैं तो ये हमें बहुत सस्ता पड़ता है और सभी के साथ पराठे हो या समोसे हो, सभी के साथ में यह अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ले रहे हैं हम यहाँ पर 1 किलो टमाटर। देखिए इस तरह से लाल लाल टमाटर लिए हमने, जिन्हें हमने धोकर पोंछकर अच्छे से सुखा लिया है। अब इन सारे टमाटरों का हेड निकाल देते हैं चाकू से इस तरह से और एक बर्तन में रखते जाते हैं। जब सारे टमाटरों का हेड निकल जाता है तब हम इन्हें चाकू की सहायता से इस तरह कट करेंगे चार चार पीस में। तो इस तरह से सारे टमाटर कट कर लिए हमने। अब हम चढ़ाएंगे गैस पर एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 100 ml सरसों का तेल। सरसों का ही तेल यूज़ करें आप, फली का तेल ना लें। गर्म हो गई है कढ़ाई, एक चम्मच जीरा डालेंगे और आधा चम्मच डालेंगे हम मेथी दाना। जीरा और मेथी चटकने के बाद में अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, करी पत्ता और साथ में हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर अच्छा आता है और करी पत्ता बहुत अच्छा फ्लेवर देता है अचार में। इस तरह हम थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, हल्दी जैसे ही पक जाती है तो कटे हुए टमाटर अपने इसमें हम ऐड कर देंगे सारे। अब मिक्स करते हैं हम टमाटर को। यहाँ पर हमें पूरी तरह से पकाना है तो बहुत टाइम लगता है इसको पकाने में, 2 से 3 मिनट हम इसे इस तरह से मिक्स करते हुए पकाते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। नमक ज़्यादा लगता है पर यहाँ पर मैं 1 चम्मच क्यों डाल रही हूँ वो आपको आगे रेसिपी में पता चलेगा, ज़रूर देखिए एंड तक। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि ये आसानी से पके, और करते हैं तब तक मसाले की तैयारी। ले रहे हैं हम अदरक, 3 यहाँ पर लहसुन की कठाने लिए हैं और कुछ हरी मिर्च। यहाँ पर लहसुन को छील लेंगे, अदरक को टुकड़ों में काट कर लिया और डालेंगे इसे जार में। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, आप कितना तीखा खाते हैं। मैं थोड़ा तीखा बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्च डाल रही हूँ। इस तरह से ग्राइंड कर लिया और ये हमने देखिए पेस्ट तैयार कर लिया है। बहुत बारीक नहीं करना है हमें, इस तरह ही रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखते हैं, इसे तो हमने कटोरी में निकाल लिया, अब टमाटर देखते हैं हमारे कितने पके हुए हैं। देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं लेकिन अभी इसका जो रस है वो काफ़ी बचा हुआ है। हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका रस निकल ना जाए। तो अब हम इसे ढकेंगे नहीं, कंटिन्यू चलाते जाएंगे बीच बीच में। देखिए ये हमारे टमाटर पूरी तरह से पक चुके हैं और इसमें रस भी नहीं है। तो हमने गैस बंद की और इन टमाटरों को, पके हुए टमाटरों को हम दूसरे बर्तन में अलग कर लेते हैं। अब हम राई थोड़ा सा सेंकना है हमें मसाले के लिए, तो गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई और डाल रहे हैं यहाँ पर 2 चम्मच राई दाना। काला वाला राई है, देखिए इस तरह से चिटकने लगी है राई। तेल आदि नहीं डालना है सेंकने में, इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जैसी राई ठंडी होगी तो हम इस तरह से इसे मिक्सर से ग्राइंड कर लेंगे। अब चढ़ा रहे हैं गैस पे कढ़ाई और डाल रहे हैं यहाँ पर 100 ml सरसों का तेल फिर से। इसमें डाला हमने हींग पाउडर, राई जो अभी हमने ग्राइंड करके रखी थी। साथ में यहाँ डाल रहे हैं हम अचार मसाला, यहाँ पर 3 चम्मच लिया है। इसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं, सौंफ आदि, तो मैंने एक साथ ही मसाला ले लिया है पूरा। चाहे तो आप पीली दाल भी डाल सकते हैं। अब डाल दिया हमने 2 चम्मच जो हमने पेस्ट बना के रखा था अदरक लहसुन मिर्च का। डाल दें 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च, 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक यहाँ पर इसलिए कम डाला है क्योंकि यहाँ पर मैंने पांचाल का मसाला यूज़ किया है जिसमें कि नमक मिला रहता है। अगर हम पहले ही नमक ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा
नमक ज़्यादा हो जाएगा अचार में, जो बेस्वाद कर देगा। चलाने के बाद सारा टमाटर जो हमने रखा था दूसरे बर्तन में निकाल के इसमें हम ऐड कर देंगे। बस 3 से 4 मिनट इसे और पकाएंगे। देखिए कॉर्नर से ये तेल छोड़ रहा है हमारा अचार। जब तेल छोड़ने लगता है इसका मतलब होता है कि हमारा अचार रेडी हो चुका है। गैस को हम कर देंगे ऑफ और इसे निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इसे कांच के जार में भरना है। तो जार जो होगा हमारा कांच का, उसको हम अच्छे से धोकर सुखा लेंगे। देखिए ये पूरी तरह से ठंडा हो गया। जैसे ही ये ठंडा होता है कॉर्नर में हमें देखिए इस तरह से तेल दिखाई दे रहा है। तो अब ये हमारा स्टोर करने के लिए रेडी हो गया है। अगर आपको साल भर के लिए स्टोर करना है तो इसमें आप 1 चम्मच अपना सिरका डाल सकते हैं। देखिए पूरा सूखा हुआ रख रहे हैं हम इसे जार में एक प्लेट के ऊपर, और अब अचार इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको थोड़ा भी पसंद आई है रेसिपी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए हमने जार में ट्रांसफ़र कर लिया इस तरह से। इस जार को तो मैं कुछ दिन के लिए स्टोर करूंगी, और बाकी बचे हुए अचार को मैं अभी यूज़ करूंगी, इसलिए निकाल रही हूं मैं एक दूसरे बर्तन में। इसके ऊपर से मैं 1 चम्मच सरसों का तेल और डाल रही हूं, क्योंकि अगर स्टोर करके रखना है हमें तो ऊपर तेल इसमें भरा होना चाहिए। तो रेडी हो गया है हमारा अचार। बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार, और आपका ये अचार सालों साल चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आप चाहे जिसके साथ इसे खाएं, खाने में यूज़ करें, नाश्ते में यूज़ करें, बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं। तो चलिए निश्चित रूप से आपको रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं हम अगली नई रेसिपी के साथ।